मैं नेपाल में हूँ। यहाँ एक बहुत ही फेमस स्थान है पोखरा। इसके बारे में मैंने लोगों से बहुत सुन रखा है। इस समय सुबह के 5 बजे हैं। यहाँ स्थित करीब 1,500 फीट की ऊंची एक पहाड़ी पर मैं सनराइज यानी निकलता हुआ सूरज देखने जा रही हूँ। मेरे साथ मेरी एक सखी है जो कि निकलते सूरज का नजारा देखने के लिए बहुत ही जोश से भरी है। उसका ये जोश मेरी तो समझ से बाहर है। होश भी तो होना जरूरी है ना दोस्तों। 15 डिग्री ठिठुरती ठंड में हम चलते जा रहे हैं। मैं उसे मनाने की कोशिश करती हूँ। चल वापस चलते हैं होटल। निकलता सूरज हम होटल की बालकनी, छत, खिड़की कहीं से भी देख लेंगे, मगर वो नहीं मानती। लिहाजा मैं उसके साथ हूँ। आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ घुप अंधेरा है। मेरी सखी दनादन पत्थर की ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। मैं नीचे खड़ी हौसला जुटाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने गाइड को कहा, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। गाइड का हाथ थामे मैं सधे कदमों से सीढ़ियां चढ़ती जा रही हूँ। बहुत भयभीत हूँ। अंधेरे में कहीं सांप पर पांव पड़ गया तो कभी नीचे देखती हूँ तो कभी ऊपर कि कहीं सीढ़ियों से फिसल गई तो। आखिर मैं अपनी मंजिल पर पहुंच ही गई। ऊपर का नजारा देखा तो दंग हूँ। मन, मस्तिष्क, प्राण सब ऊर्जा से भर गए हैं। सच है दोस्तों, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर मैं यहाँ न आती तो इतना सुंदर नजारा देखने से वंचित न रह जाती। मेरे आसपास बहुत से लोग हैं, सभी जोश से भरे हुए हैं। क्षितिज में पल पल निकलते सूरज की किरणें पहाड़ों का, नदियों का, बादलों का रंग बदल रही है। बहुत ही सुंदर रंग बिखरे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा है दोस्तों। यहाँ खड़ा हर कोई इस खूबसूरत दृश्य को आंखों में बसाने को बेकरार है और मैं ये वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने को बेकरार हूँ।